हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए 6 रुपये में मिल रहा है 80,000 रुपये का शेयर। तो आप देखिए, अगर आप 80,000 की इसकी वैल्यू जा रही मानी जा रही है, और बहुत सारे लोग इसको अलग अलग इन्वेस्टमेंट एजेंसीज, अलग अलग रिसर्च ब्रोकर्स जो इसकी वैल्यू आंक रहे हैं, वो 1 लाख के आसपास आंक रहे हैं। तो आप देखिए, मात्र 6 रुपये में मिल रहा है भैया, ऐसा क्या है? और साथ में मेन चौंकाने वाली बात है, 15 रुपये का डिविडेंड देता है हर साल। पिछले साल दिया था, उससे पिछले साल दिया था, 15-15 रुपये का डिविडेंड देता है, मात्र 6 रुपये का शेयर, डबल से भी ऊपर का डिविडेंड। तो चौंक गए ना, मैं तो यही कहूँगा भैया, चौंक गए ना, क्योंकि मैं खुद चौंक गया ये चीज़ देख के, ये न्यूज़ पढ़ के। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फिर हम नए व्यू आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। कंपनी का नाम हम आपको बाद में बताएंगे। देखिए, ये शेयर अगर आप देखें तो अरुण मुखर्जी जो को फाउंडर हैं, सेबी रजिस्टर्ड फर्म है, ऐसे इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, वो कह रहे हैं कि स्टॉक की वैल्यू 1 लाख पर शेयर से ऊपर है। तो चलिए भैया, कौन सा है ये शेयर, क्या है ऐसा, तो वो सब जानते हैं। देखिए, नो इन्वेस्टर इज़ विलिंग टू सेल अ स्टॉक, कोई इसको बेचना ही नहीं चाहता। 80,000 की वैल्यू है और मात्र 6 रुपये का पे ट्रेड कर रहा है, तो कौन बेचना चाहेगा? ऐसी गलती से भी नहीं बेचना चाहेगा ऐसे स्टॉक को कोई भी इन्वेस्टर। अब देखिए, ये स्टॉक है, नाम है इसका एलसिड इन्वेस्टमेंट, बहुत कम ट्रेड करता है, ना के बराबर ट्रेड करता है। अब इस स्टॉक में खास जो हम बताएंगे वो देखिए, इस कंपनी के पास ये एक मेजर प्रोमोटर है, एशियन पेंट्स, जो बहुत टॉप की पेंट्स कंपनी है। आप ये देखिए कि 2.83 करोड़ शेयर है, 2.83 करोड़ शेयर हैं एशियन पेंट्स के इस कंपनी के पास, जिनकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो वह 4200 करोड़ की वैल्यू है। तो आप खुद सोचिए, 4200 करोड़ की वैल्यू के शेयर्स इस कंपनी के पास हैं, तो इसीलिए इसकी वैल्यू जो है वो 80,000 गई हुई है भैया, ये रीज़न है। अब मानने वाली बात है, 6 रुपये पर मात्र BSE पर ट्रेड कर रहा है, और अगर आप देखें इसको कि देयर आर बायर्स रेडी टू पे 15,000 टाइम्स, मतलब 15,000 गुना ज़्यादा पे करने को तैयार है, लेकिन फिर भी कोई सेलर नहीं है वहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे, चलिए तो बढ़िया है भैया, इतना ज़्यादा प्राइस पे भी ट्रेड करने को तैयार हैं, इसको खरीदने को तैयार हैं, लेकिन कोई एक्चुअल 4200 करोड़ के भैया एशियन पेंट्स के शेयर है कंपनी के पास, ये न्यूज़ है। ये सारी चीज़ें देख के मैंने इसको BSE पे सर्च किया, क्या सही में ये इतना बढ़िया डिविडेंड देता है, क्या सही में इसकी इतनी वैल्यू है अभी। मतलब यह है कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स का ग्रुप है, वो बॉम्बे हाई कोर्ट गया और उन्होंने इस मैटर में इंटरवीन किया कि भैया सेबी और BSE से कहा कि भैया शेयर होल्डर्स की इसकी एक्चुअल वैल्यू इतने कम पे क्यों ट्रेड कर रहा है, इसकी एक्चुअल वैल्यू को थोड़ा सा डिस्कवर करके इसको ऊपर किसी तरीके से, मतलब शेयर्स बेचा जा सके। अभी तो काफ़ी रिस्क लग रहा है कि भैया कैसे बेचें, इतनी ज़बरदस्त वैल्यू और 6 रुपये में कैसे हम उसको बेच दें। तो ऑफर फॉर सेल आया था 2013 में 5,000 रुपये के आसपास, देखिए, फॉर अ प्राइस ऑफ 5,000 रुपीज़, एंड इन्वेस्टर हु परचेज दो शेयर स्टक एट 5.89, मतलब 5,000 का शेयर उस टाइम पे ऑफर, अब वो उसकी प्राइस कितने, 5.89। इन 2013 प्रोमोटर ने अनाउंस किया कि भैया हम डीलिस्ट करेंगे ऑफर टू पब्लिक शेयर होल्डर 11 रुपये पर शेयर के हिसाब से, बट ऑफर वो रिजेक्ट कर दिया गया। चलिए ये चीज़ें तो सारी चलिए ठीक है, लेकिन अब मेन बात है कि शेयर क्या सही में डिविडेंड देता है। तो BSE की वेबसाइट पे मैंने डाटा देखा, वहाँ से पता लगा कि हाँ, 2018 में डिविडेंड दिया गया 15 रुपये का, 2017 में डिविडेंड दिया गया 15 रुपये का, 2016 में 5 रुपये का डिविडेंड दिया गया, 2016 में ही 10 रुपये का डिविडेंड दिया गया। तो मतलब हर साल इसने पिछले 3 साल लगातार 15 रुपये का डिविडेंड दिया, खरीदने से मिलता नहीं है क्योंकि सर्किट लगा होता है। और फिर मैंने यही चीज़ आगे देखी, देखिए इसका स्टॉक का प्राइस देखा, देखिए स्टॉक का प्राइस बहुत कम ट्रेड होता है, आपको देखिए ट्रेड हो ही नहीं रहा है, ये मान के चलिए बिल्कुल। अगर प्राइस धीरे धीरे करके भी 5.89 के आसपास है, अगर आप BSE की वेबसाइट पे जाओगे, डिटेल देखोगे, तो आपको बिल्कुल ऐसा मिलेगा कि ट्रेड हो ही नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर करी, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको देखा होगा कि भाई कभी आपको मौका मिलेगा ऐसे शेयर को खरीदने का, तो आप मौका छोड़ोगे या मौका पकड़ोगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।